नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर एंड मैं आपको मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओफ्लोक्सासिन आईड्रॉप के बारे में। चलिए दोस्तों, ये जो ओफ्लोक्सासिन आईड्रॉप होता है वो क्या होता है, उसका यूजेस एंड डोजेस के बारे में डिस्कस करेंगे आज का वीडियो में। दोस्तों ये जो ओफ्लोक्सासिन होता है ये एक एंटीबायोटिक होता है, यानी कि एंटीबायोटिक आईड्रॉप होता है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वार करता है। इसको ट्रीटमेंट करते हैं हमारा आँख में कब, जब हमारा आँख बैक्टीरियल इन्फेक्शन से शिकार हुआ होगा। तो दोस्तों ये कैसे काम करता है कि जो हम कॉन्जेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारा आँख में घुस के हमारा आँख को तकलीफ देते हैं, यानी कि कोई भी अदर सिम्टम दिखाई देता है हमारा आँख में, वही कॉन्जेक्टिव ऑर्गेनिज्म को यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ये स्टॉप करता है। कौन? ओफ्लोक्सासिन, उसका ग्रोथ को स्टॉप करता है। इसी तरह से ये हमारा आँख में काम करता है और हमारा परेशानी को ये दूर करता है। चलिए उसके यूजेस के बारे में समझते हैं। इसको यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ आई, हमारा आंख में जिस तरह का भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा उसी केस में इसको यूज किया जाता है। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, हमारा आंख रेडनेस हो सकता है, यानी कि आंख में लाल पड़ सकता है, ड्राई हो सकता है हमारा आँख ड्राई हो सकता है, और आँख में ऐसे भी महसूस हो सकता है जैसे कि हमारा आँख से पानी निकल रहा है, यानी कि वाटरली आय, उसी केस में भी इसको यूज किया जाता है। और लाइट स्वेलिंग, जब हमारा आँख थोड़ा बहुत स्वेलिंग होगा उसी केस में भी इसको यूज किया जाता है। दोस्तों मार्केट में बहुत सारा ब्रांड का अवेलेबल होता है, ऐसे कुछ ब्रांड की बात करें जैसे कि ओफ्लोक्स आता है, ओफ्लोक्सासिन आता है, फ्लोक्सिन आता है, ये सारे कुछ कॉमन सा ब्रांड होता है, आपके मार्केट के हिसाब से आप देख सकते हैं। दोस्तों इसका डोजेस की बात करें तो एक एक ड्रॉप आपने आँखों में दिन में 3 से 2 बार आप दे सकते हैं। उसका टाइम नहीं है, पर एक परफेक्ट टाइम में देंगे तो उसका बेटर रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो मैं इतना है दोस्तों, उम्मीद करता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और किसी दवाई के बारे में या किसी डिजीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर मेरे चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। दोस्तों खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बोलते रहे, जय महाकाल।